हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन में तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने इन लम्हों को शेयर कर रहे हैं। वहीं तापसी पन्नू ने भी हाल ही में अपने घर की एनिवर्सरी मनाई। दरअसल पिछले साल तापसी पन्नू किराए के फ्लैट से मुंबई में अपना खुद का घर खरीद कर उसमें शिफ्ट हुई थी। तापसी के लिए ये उनका एक सुनहरा सपना पूरे होने जैसा है और इसी मौके पर उन्होंने अपने घर की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं उनके घर की एक झलक। तापसी के घर की एंट्री काफी यूनिक और खूबसूरत है। इनके घर के एंट्री गेट पर नेम प्लेट की जगह एक उड़ती हुई चिड़िया का आइकन लगाया गया है। तापसी के घर के कॉरिडोर की बात करें तो वहां से शहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है और तापसी यहां अपने सुकून के पल बिताती हैं। दोस्तों, तापसी के घर का ड्राइंग रूम एरिया भी काफी बड़ा और स्पेशियस है। इसके अलावा इनकी बालकनी भी काफी खूबसूरत है, जहां एक झूला भी रखा है जिस पर लेटकर वो अपना खाली वक्त बिताती हैं। तापसी के बेडरूम की बात करें तो वो आम बेडरूम जैसा नहीं है, बल्कि इनका बेडरूम काफी अलग है और इसका इंटीरियर भी काफी स्टाइलिश है। आपको बता दें कि तापसी इस घर में अपनी छोटी बहन शगुन के साथ शिफ्ट हुई हैं और तापसी पन्नू के इस घर का इंटीरियर उनकी बहन ने साथ मिलकर किया है, जिसकी खूबसूरती की झलक इस घर में साफ दिखाई देती है। तापसी पन्नू का लिविंग एरिया भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है और बैकग्राउंड में दिख रही एक बड़ी सी घड़ी इस बात का सबूत है। इसी एरिया में वो अक्सर अपने फोटोशूट भी कराती हुई दिख जाती हैं। तापसी के घर में सोफों की कोई कमी नहीं है और इस घर में अलग से एक एरिया है जहां वो मूवी डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करती हैं। तापसी का ये घर डबल स्टोरी हाउस है और इस घर की स्टेयर्स भी काफी यूनिक हैं, जो लॉबी में खुलती हैं। इस घर के बाथरूम भी काफी बड़े और लग्जरी चीजों से भरे हैं। तापसी के रूम के अलावा इनकी बहन का रूम भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। कुल मिलाकर तापसी के इस खूबसूरत घर की हर एक चीज, हर एक कोना, इंटीरियर, कलर्स सब बेहद खास और खूबसूरत हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और खबरी क्लब फैमिली में जुड़ें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद।